ये हो गया पुंगुक, ये वाला यंकी होमस्टे। इसका लोकेशन जो हनले है बिल्कुल उसके साइड पे है, और खल्तो है। खल्तो हनले में जब भी आना हो तो इनके पास जरूर आए। ये वाला पुंगुक है। अच्छा ठीक। छोटा सा गांव है हनले और आज एक भी होमस्टे यहाँ पर खाली नहीं है और हमें यहाँ पर बीआरओ के कैंप में रुकना पड़ा। इसलिए जब भी इस और अगर आना हो तो प्री बुकिंग आप लोग जरूर कीजिएगा। इसका लोकेशन जो हनले है बिल्कुल उसके साइड पे है और इसके आसपास देखो क्या शांत और देखो कितना बिल्कुल शांत वातावरण। हनले में जब भी आना हो तो इनके पास जरूर आए और स्थानीय जो एक ट्रेडिशन है उसका आनंद आप ले सकते हैं। ये हमारी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जो पीछे ये है यंकी होमस्टे, नॉट यांगून तो इनका नाम है लेकिन इनका नाम रखा इन्होंने यंकी होमस्टे। इधर ये किचन है इनका। टैसी को मिलना साहब ने, इनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा और जिसको भी आना है यंकी होमस्टे। यंकी होमस्टे हाँ कुंगुक पुंगुक हाँ इस जगह को पुंगुक बोलते हैं। पुंगुक बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। मैंने इसको हनले का एक थोड़ा साइड पे बोला, एक ही बात है ठीक है ठीक। ये हो गया पुंगुक, ये वाला पुंगुक है सर। हाँ और ये वाला पूरा गांव पुंगुक है। हाँ हाँ फिर इसके वो एक पहाड़ी है ना सर। हाँ 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 उसके पीछे वाले गांव को खल्तो है। खल्तो हाँ सर खल्तो है ठीक है। उसके आगे हमारा मंदिर है। ओके हाँ हाँ जो गुंपा ऊपर हाँ हाँ देखा मैंने खल्दो है। खल्दो से आप सबसे ऊपर ये वाला पुंगु को। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सबसे ऊपर ठीक है। टशी फिर ठीक है सर, अच्छा लगा मिलके। ठीक है सर है ना। हालांकि मैं रुका नहीं फिर मुझे अच्छा लगा क्योंकि जो आपने बात बताई वो मुझे थोड़ा सा लगा कि महसूस हुआ कि जो हमसे बन सके मैं कर सकूँ। ठीक है हाँ ओके।